ट्यूशन लेकर अपने घर लोअर बाजार जा रही दो छात्राएं शाम लगभग 4 बजे पुरानी लिफ्ट में फंस गईं। पौने घंटे तक दोनों छात्राएं पुरानी लिफ्ट में फंसी रहीं, लेकिन वहां ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। कर्मचारी ड्यूटी से कुछ समय के लिए नदारद भी रहे। छात्राओं के इमरजेंसी नंबर पर मदद के लिए कॉल करने पर किसी ने फोन तक नहीं उठाया। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल करने पर भी फोन नहीं उठाया। इसके बाद छात्राओं ने फायर ब्रिगेड के 101 नंबर पर कॉल की, जहां से फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर छात्राओं को लिफ्ट से बाहर निकाला। छात्राएं इस घटना से इतनी घबरा गई हैं कि अगली बार से लिफ्ट का कभी इस्तेमाल न करने की बात कह रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर पर्यटन निगम और पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने पर भी इस तरह की घटनाओं में मदद ना मिले तो लोग कहां शिकायत करें, और इस तरह की घटनाओं में कोई अनहोनी हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। पीआईटीवी के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।